कश्मीर के माचिल सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की, भारतीय सेना के 3 जवान शहीद। एक शहीद के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने की बर्बरता, सेना ने घटना की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए 2 आतंकियों के पास मिले नए नोट, 2000 के कई नोट बरामद, हथियार भी मिले। शिवसेना ने कहा पाकिस्तान का इलाज करना जरूरी, पाकिस्तान पर होना चाहिए अटैक, बोले हम सरकार में है लेकिन सरकार हमारी नहीं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा पाकिस्तान ने पार की सारी हदें, पाकिस्तान को मिलेगा कड़ा जवाब। बीएसएफ के शहीद हेड कांस्टेबल राय सिंह का रोहतक के सांपला में अंतिम संस्कार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया ब्लास्ट, हमले में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर शहीद। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने किए 10 सवाल, लोगों से मांगी राय, नरेंद्र मोदी ऐप पर दे सकते हैं जवाब। पीएम ने पूछा क्या नोटबंदी के फैसले से खुश हैं देश की जनता, क्या काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ना जरूरी। बैंकों में लगी कतार के बावजूद पीएम का सवाल, लोगों से पूछा क्या नोटबंदी से परेशान है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भावुक हुए पीएम, कहा 70 साल बाद भी देश को नहीं मिला पीने का पानी, न रहने को मिला घर। बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में पीएम मोदी का बयान, कहा भ्रष्टाचार खत्म करना हमारा मकसद, सुधार के लिए आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं पीएम, नोटबंदी पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। राहुल गांधी का सरकार से सवाल, जहां संसद में क्यों नहीं बोलते पीएम, सिर्फ टीवी और सोशल मीडिया पर बोलते। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामा, पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष, वित्त मंत्री ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा पीएम आए तभी चर्चा। जेडीयू नेता शरद यादव का राज्यसभा में बयान, कहा देश हित में नोटबंदी का फैसला, लेकिन बैंक की लाइन में मरने वालों के परिवार को मिले 10-10 लाख का मुआवजा। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की पीएम को बुलाने की मांग, कहा देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसा माहौल। स्विस बैंक खातों पर सरकार का बड़ा कदम, 2018 के बाद भारत को सभी खातों की जानकारी देगा स्विस बैंक, 2019 से लागू होगा समझौता। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन से पहले ममता का पीएम पर हमला, का स्विस बैंक से लाने की बजाय आम आदमी का पैसा छीन लिया। नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिले शिवसेना के सांसद, पीएम ने कहा वापस नहीं होगा फैसला, बाला साहेब ठाकरे की याद दिलाई। नोटबंदी को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं ने फैसला वापस करने की मांग की। दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ आपका प्रदर्शन, सिसोदिया कपिल मिश्रा को पहले हिरासत में लिया गया, बाद में किया गया रिहा। नोट बैन पर कांग्रेस ने फिर किया सरकार के फैसले का विरोध, सुरजेवाला ने कहा बैंकों की लाइन में मरने वालों से माफी मांगेंगे पीएम। नोटबंदी पर केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, पीएम मोदी के समर्थन में लगाए नारे, केजरीवाल ममता और राहुल को देश विरोधी बताया। दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध पोस्टर, राहुल को बताया नाकाम, लिखा पूर्वजों की कमाई रद्दी में गवाई। केरल में कांग्रेसी सांसदों का नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन, एके एंटनी सहित कई नेताओं ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। नोटबैन के बाद पैसे निकलवाने में हो रही है परेशानी, के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, सुनवाई 8 दिसंबर तक चली। हरियाणा के पलवल में 2 गाड़ियों से 2 करोड़ रुपए बरामद, आरोपी मौके से फरार, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के कोटा में 8 लाख रुपए की काली कमाई बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को ट्रेन से पकड़ा। 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में हुए उपचुनाव के नतीजे आए, एमपी में बीजेपी, बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने मारी बाजी। एमपी में 19 नवंबर को हुए उपचुनाव में बीजेपी ने दोनों सीटों पर बाजी मारी, शहडोल लोकसभा और नेपा नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा। बंगाल में हुए उपचुनाव में 3 सीटों पर टीएमसी का कब्जा, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर लहराया पर्चा। उपचुनाव में एआईएडीएमके के जीत के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया, एआईएडीएमके ने तंजावुर विधानसभा सीट जीती, लोगों को बांटी मिठाई। पुदुचेरी में कांग्रेस का कब्जा, मुख्यमंत्री नारायण सामी करीब 11,000 वोटों से जीते। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सीपीएम का कब्जा, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र में 6 विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस बीजेपी ने जीती 2 सीटें जबकि शिवसेना एनसीपी को मिली 1-1 सीट। कानपुर रेल हादसे पर रेलवे की नई कार्रवाई, नॉर्थन रेलवे के 5 अधिकारी सस्पेंड, डीआरएम का तबादला। कानपुर ट्रेन हादसे में रेलवे के अज्ञात अधिकारियों और कर्मचारियों पर आपराधिक मुकदमा, यात्रियों की मौत के लिए लापरवाही को बताया जिम्मेदार। उखराया में हुए ट्रेन हादसे के बाद पटरियों को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन लाए गए, एक्सपर्ट पटरियों की जांच करेंगे। कानपुर रेल हादसे में अब तक 150 मौतों की पुष्टि, 12 शवों की शिनाख्त बाकी, लावारिस शवों का कराया गया डीएनए टेस्ट। रेल हादसे के 45 घंटे बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू, फिलहाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को गुजरने की हिदायत। रेल हादसे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, रेलवे की लापरवाही को लेकर दायर याचिका पर कल सुनवाई। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री डॉक्टर अबुल बरकत का अपनी किताब में दावा, अगले 30 साल में बांग्लादेश में नहीं बचेगा एक भी हिंदू। 1964 से 2013 तक बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न के मामले बढ़े, हर दिन 632 हिंदू कर रहे हैं बांग्लादेश से पलायन। कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए, राज बब्बर ने कहा बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन गंभीर मामला। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा सरकार को बांग्लादेश से करनी चाहिए बात, हिंदुओं का कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बांग्लादेश से हिंदू पलायन को धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बताया। कहा हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देनी चाहिए। कश्मीर में आतंकियों के बैंक लूटने को लेकर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। 8 नवंबर के बाद घाटी में 3 बार हो चुकी है बैंक लूट की वारदात। अरुण जेटली मानहानी केस में केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। निचली अदालत में सुनवाई बंद की मांग की थी। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से ईडी ने शुरू की पूछताछ। भारत लौटते ही जांच एजेंसियों ने ली राहत की सांस। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से सीबीआई ने 3 घंटे तक पूछताछ की। 84 के दंगे में शामिल होने का आरोप। ओडिशा में अग्निवान बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। अग्निवान मिसाइल 700 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम। भारत में एड्स की मौत के बाद कमी। 2007 से 2015 के बीच 54% कम हुई है मौत। डेंगू और चिकनगुनिया से मौत पर राज्यसभा में सरकार का जवाब। डेंगू से 179 लोगों की गई जान लेकिन चिकनगुनिया से नहीं हुई एक भी मौत। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची अल्मोड़ा। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक से विपक्ष को परेशान। फरुखाबाद के बैंक और एटीएम में खत्म हुई भीड़। लोग आसानी से निकाल रहे हैं पैसा। यूपी के मुरादाबाद में कैश न होने पर भड़के लोग। रुपए नहीं मिलने पर लगाया जाम। यूपी के हाथरस में महिलाओं का प्रदर्शन। प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों पर लोन वसूली के लिए धमकी का आरोप। मेरठ में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। फेसबुक से करते थे दोस्ती फिर बुलाकर करते थे लूट। लखनऊ में एक पुल के नीचे लगी आग। आग से पूरे इलाके में छाया अंधेरा। पुलिस ने सावधानी दिखाते हुए रास्ता रोका। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 6वें दिन विमान सेवा बाधित। स्थिति में कोई सुधार नहीं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 56 स्कूल कॉलेजों की मान्यता रद्द की। 26 विद्यालयों की मान्यता निलंबित। नीतीश सरकार में मंत्री शिवचंद्र राम के कार्यकाल में बाल मजदूरी। मंत्री के सामने बच्चे करते रहे काम। इंडियन ऑयल के प्लांट मैनेजर के घर दफ्तर पर सीबीआई का छापा। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने के बाद मारी गई है रेड। इंदौर की एक इमारत में भीषण आग। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग काबू में पाया। नोटबंदी से परेशानी के बीच हैदराबाद में अनोखी पहल। तेलंगाना सरकार ने शुरू की कैशलेस कार्डलेस सुविधा। सब्जी खरीदने के लिए शुरू किए टोकन। अजमेर में एक बैंक कर्मचारी पर पक्षपात करने का आरोप। कतार के बावजूद अपने रिश्तेदार को पीछे से 50,000 रुपए दिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ जेल में मोबाइल मिलने से सुरक्षा पर उठे सवाल। तलाशी के दौरान मिले 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड। अलवर में 8 फीट अजगर से मची अफरा तफरी। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर पर काबू पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में मरीज की मौत पर अस्पताल के बाहर हंगामा। परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार का रहने वाला कोचिंग स्टूडेंट कोटा से लापता। पिता के नाम लिखा खत। कहा उम्मीदों पर नहीं उतर पाया। एमपी के बिलासपुर में 2 महिलाओं ने की एक मनचले की चप्पलों से पिटाई। महिलाओं के साथ कर रहा था छेड़छाड़। सड़क पर सिखाया सबक। नागपुर में पब के बाहर मारपीट में युवक की मौत। पब मालिक भी मारपीट में शामिल। पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी वीडियो। बिहार के बेगूसराय में ट्रेन में रेप की कोशिश। नाबालिग लड़की ने रेलवे के कर्मचारी पर लगाया आरोप। रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में एक प्रेमी जोड़े ने सड़क पर की शादी। घर वालों के विरोध के बाद उठाया कदम। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी। सेंसेक्स 196 और निफ्टी 73 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी 8,000 के पार। रतन टाटा पर सारस मिस्त्री का बड़ा हमला। एक आदमी के अहंकार से मुसीबत में टाटा ग्रुप। हजारों नौकरियों पर पड़ा बुरा असर। गोयर ने दिया 736 रुपए में हवाई सफर का ऑफर। 24 नवंबर तक सस्ते टिकट की बुकिंग। 9 जनवरी से 30 मार्च तक कर सकेंगे यात्रा। जापान में भूकंप के तेज झटके के बाद सुनामी। शुरुआती तीव्रता 7.3 बाद में कम होकर 6.9। सुनामी की 1 मीटर ऊंची लहरें तट से टकराई। जापान भूकंप और सुनामी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा लोगों को दिया भरोसा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शपथ लेने से पहले लोगों को जॉब देने का वायदा किया। सोशल साइट पर वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी। न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट में मची अफरा तफरी। अज्ञात बंदूकधारी के घुसने की खबर के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मौसुल पर इराकी सेना के कब्जे के बाद खुला स्कूल। बच्चों को पढ़ाने में जुटे टीचर्स। मौसुल में 2 साल तक आईएसआईएस का कब्जा था। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे 3 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। गौतम गंभीर की टीम से छुट्टी। टीम में किया गया सिर्फ एक बदलाव। भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी। टेस्ट में अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे विराट कोहली। विशाखापट्टनम टेस्ट के बाद 4th नंबर पर आए। आईसीसी रैंकिंग में चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा को भी फायदा। बैट्समैन की रैंकिंग में 9वें नंबर पर। भारत के खिलाफ 3rd टेस्ट में इंग्लैंड के जोस बटलर कर सकते हैं टीम में वापसी। बेन की जगह हो सकते हैं टीम में शामिल। बैन से बचे साउथ अफ्रीका के कप्तान डुप्लेसी। आईसीसी ने बॉल टैंपरिंग का दोषी मानते हुए फीस काटी। बैन की नहीं सजा। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच तकरार और हुई गहरी। आईसीसी ने वर्किंग ग्रुप मीटिंग में बीसीसीआई को नहीं भेजा न्योता। वेस्ट इंडीज महिला टीम ने किया भारतीय महिला टीम का क्लीन स्वीप। 3-0 से सीरीज जीती। आखिरी T20 में 15 रनों से जीत दर्ज की। केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी की मिनी स्पोर्ट्स मीट का समापन। क्लस्टर लेवल पर देश भर के स्कूलों ने लिया हिस्सा। 100 मीटर रेस और टेनिस बॉल थ्रो जैसे कई कॉम्पिटिशन।
नदीला मुश्किल के बाद साल 2017 में आएगी करण जौहर की अगली फिल्म। फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या के होने की खबरों को खारिज किया गया। फिल्म बाहुबली 2 के कुछ अहम सीन हुए सोशल मीडिया पर लीक। लीक करने वाला ग्राफिक्स डिजाइनर हिरासत में। सोनाक्षी सिन्हा स्टार और फिल्म नूर की रिलीज डेट तय हुई, 21 अप्रैल 2017 को आएगी। फिल्म राबिता की रिलीज से पहले ही एक्ट्रेस कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत को एक और फिल्म का मिला ऑफर। उमंग कुमार बनाएंगे फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 में उनके फर्स्ट लुक का बॉलीवुड हुआ फैन। सोशल मीडिया पर ट्विंकल के साथ अक्षय ने कई दोस्तों को बधाई।